कोविड-19 के चलते टांडा मेडिकल कॉलेज में लगभग 35 डॉक्टर्स, नर्स व उनके बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि 25 के लगभग डॉक्टर्स हैं जो कि संक्रमित हैं और इसके अलावा नर्सेज और उनके बच्चे सहित यह आंकड़ा 35 को छू रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट करने पर उपायुक्त ने कहा कि पूरे विश्व ने इस प्रक्रिया में मेहनत करना शुरू कर दी है। उपायुक्त ने कहा कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और 60 साल से कम उम्र के हैं, जिनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जिनके पास अलग वॉशरूम और कमरा हो, उन्हें होम आइसोलेट किया जा सकता है। पिछले दिनों ही जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार 31 लोगों को जिला कांगड़ा में होम आइसोलेट किया गया है और ऐसे लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी रखे हुए है। जैसे ही इनका 10 दिन का समय पूरा होता है इनका फिर से टेस्ट करवाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था नहीं है उन्हें कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल में रखने की व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, लगभग 25 के आसपास जो डॉक्टर्स हैं वो संक्रमित हुए हैं और कुछ हमारे जो नर्सेज हैं और उनके उनके कुछ बच्चे भी हैं वो संक्रमित हुए, तो लगभग ये जो आंकड़ा है जो टोटल देखा जाए तो लगभग 35 के आसपास है। और इसके बावजूद भी जो हमारे टांडा हॉस्पिटल है, खास करके जो OBG वार्ड है, फंक्शनल है और हमारी कोशिश है कि अगर मैन पावर रिसोर्स कहीं और से भी आवश्यकता होगी, चाहे वो हमारे जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस हो वहाँ से लाने की आवश्यकता हो, वो आवश्यकता को हम पूरा करेंगे और जो हमारा हॉस्पिटल है अभी अप एंड रनिंग है। देखिए, पूरे विश्व में इस प्रक्रिया पर लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया है कि जो लोग असिम्प्टोमेटिक हैं और जो लोग 60 साल से नीचे हैं, जिनके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास अपना सेपरेट वॉशरूम हो, सेपरेट कमरा हो, तो उनको होम आइसोलेट किया जा सकता है और 10-15 दिन के बाद हम फिर उनको, जैसा हमारा प्रोटोकॉल होता है उसके तहत हम उनको टेस्ट करवाते हैं। अब तक लगभग कल तक की जो हमारे पास रिपोर्ट थी, 31 लोगों को हमने होम आइसोलेट किया हुआ है और बड़े ढंग से उनका जो होम आइसोलेशन है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है वो इन पर निगरानी रख रही है और जैसे ही इनका 10 दिन का दायरा पूरा होता है उसके उपरांत हम इनको टेस्ट कराएंगे और जो भी उचित कदम उठाना होगा उसके बाद उठाएंगे। देखिए, उनके लिए तो जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, उन जगहों पे उनको रखा जा रहा है, तो जिन लोगों के पास इस तरह की व्यवस्था होगी उनको हम होम आइसोलेट करेंगे, जिनके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं होगी और संक्रमण उनके फैमिली को, उनको फैमिली में फैले, ऐसे लोगों को फिर हम हमारे जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर उनको, उनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा।